हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिस्क गेमिंग। और आज हम लोग फिर से खेलने वाले GTA 5। और भाई साहब, आज यहाँ पे हमारे फ्रैंकलिन को एक काम आया है एक मॉली नाम की लड़की से। उसने बताया कि एक एक्टर है जिसकी मुझे कार चुरानी है। उसकी कार ऐसी वैसी कार नहीं है, एक बहुत ही एडवांस कार है, जैसे जेम्स बॉन्ड की कार थी। उस कार में भी जेम्स बॉन्ड की कार की तरह गन्स, EMPs और स्पाइक्स और भी कई प्रकार के एडवांस गैजेट लगे हुए थे। तो गाइस, ये तो बहुत ही सॉलिड कार होने वाली है, मुझे जाके देखना ही होगा। फिलहाल मैं अपनी कार को लेकर फुल स्पीड में सीधा चलता हूँ मिस मॉली नाम की लोकेशन पे। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? ओहो ओहो, भाई की लड़ाई हो गई, भाई की भाभी से लड़ाई हो गई है। चलो बात करते पहले जाके। ए ब्रो, कोई दिक्कत? My wife's gone crazy. I'll throw some dollars okay, your way. Okay, bro. All right, man. I gotta find some wheels first, dog. तो भाइयों, ये मुझसे कह रहा है कि इसकी वाइफ से लड़ाई हो गई है। इसे बस एक गोल्फ क्लब पहुंचना है और इसकी वाइफ ने इसके सारे कपड़े ऊपर से नीचे फेंक दिए हैं। चलो अब मैं भी सोचता हूँ इसकी मदद कर ही देते हैं, बिकॉज़ भाई आज कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम में है। इसकी वाइफ भी रो रही है, उसको मनाने भी नहीं गया। अब इसे गोल्फ क्लब जाना है। तो चलो अब इसे गोल्फ क्लब छोड़ते हैं जल्दी से, और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे मॉली मैम के पास। देखते हैं वो क्या बोलती है, कौन सा मिशन देती है, क्या मुझे करना होगा। उस एक्टर की मुझे कार चुरानी है। फिलहाल मैं यहाँ से इस कार को फुल स्पीड में भगाता हुआ जा रहा हूँ। ओ भाई साहब, उड़ गई। अरे नहीं 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 नहीं, गए 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 गए। ओह, अरे रे 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 यार, मेरे दरवाजे सारे टूट गए। ओ शिट यार, फिलहाल इसे गोल्फ क्लब छोड़ता हूँ, वहीं पे कार हम लोग चेंज करेंगे। सो गाइस, गोल्फ क्लब आ गया और मेरी गाड़ी का आगे वाला टायर भी पंचर हो गया है। और बस इसको यहाँ पे पटकता हूँ, इस गाड़ी को भी, और दूसरी कार लेता हूँ। ओके ब्रो। तो गाइस, इसकी मेरी बात हो गई है। इसने बोला है कि तुम मेरी कार ले जाए, इसको मैं बाद में रिपेयर करा दूंगा। और फिर क्या था, फिर मैं अपनी कार यहीं पे छोड़ता हूँ, सीधा चलता हूँ उसकी कार लेने। वो खड़ी है यार गाइस, उसकी कार कितनी सॉलिड लग रही थी। चलो छोड़ो, अब जल्दी से इसकी कार लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से मिशन की तरफ। मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अरे यार, म्यूज़िक बंद करता हूँ पहले। तो चलते हैं अब सीधा उसी लोकेशन में जहाँ पे हमें मॉली ने बुलाया है। गाड़ी की स्पीड काफी अच्छी है यार, 200 पार कर गई थी। वहाँ पे यार वो लोकेशन आने ही वाली है मेरे ख्याल से, ये रही। तो गाइस, उस लोकेशन में मैं आ गया हूँ। यहाँ पे मॉली तो मुझे मिली नहीं है, लेकिन अब बात, ओ फोन आया उसका। ओके, हमने फोन किया है। Hey Molly, I'm outside the studio. All right. Go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. So, you could get in wardrobe and play the part or try something else. All right. When you're out of there and clear of studio security, call me. Okay, तो वो कह रही है कि यहाँ पे एक एक्टर का स्टूडियो है ना, जो वहाँ पे सिर्फ एक अच्छे ड्रेस, वेल ड्रेस आदमी को ही अंदर एंट्रेंस मिलेगी। तो मुझे उस एक्टर की सबसे पहले तो ड्रेस लेनी है, और उसके बाद वहाँ पे जाना है जहाँ पे वो कार खड़ी हुई है। और ऐसे वो लोग जाने नहीं देंगे, वो एक्टर यहीं पे आई थी। ओके ओके, चिल्ला रहा है किसी के ऊपर। इसकी वैनिटी वैन यहीं पे खड़ी है, इसको ठोक के इसकी अंदर घुसाएंगे। फिलहाल ये कर क्या रहा है, मैं देखूँ तो सही। अरे 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 भाई भाई, ओ भाई 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 भाई, इतना अच्छा गाना मत गाओ यार। इतना अच्छा गाना गाया भाई ने कि मेरे कान में से खून आने लगा। तो चलो अब जल्दी से इसके कपड़े लेते हैं और निकलते हैं सीधा उस कार की तरफ। ओ भाई साहब, अपना फ्रैंकलिन एकदम चपाक लग रहा है एकदम ड्यूड। ऑलराइट, तो चलो अब जल्दी से निकलते हैं। आई थिंक वो गाड़ी यहीं पे खड़ी है जेम्स बॉन्ड की। You need to get on set. Okay, bro. Where the hell is Brandon? Jesus, are you gonna find him? Someone's gotta find him. At least get him a mask or makeup or something. What is the point of building all these sets? We gotta put Brandon's head on a guy's body in post. Hey, get the Jews to sign off on this guy. Okay, तुम लोग मेरे को मारते रहो, निकलो यहाँ से। Security, security, security,
सिक्योरिटी। अबे ये नंगा घूम रहा है यहाँ पे, एक्टर था ये, वही एक्टर था। ओप्स सॉरी सॉरी। अरे ये मैडम मेरा स्टेरिंग घुमा रही है। अरे यार यार ये देखो ये देखो 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 देखो। अरे यार, अरे भाई साहब रुको बताता हूँ अभी तेरे को। उसको कार से उठा के फेंकने मन कर रहा है। अरे 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 मेरा स्टेरिंग घुमा रही है बार बार ये। ये देखो ये देखो। स्पाइक्स। अच्छा इस कार में स्पाइक्स, जैसे कि मैंने बताया था गाइस गाड़ी में बहुत अलग अलग प्रकार के एडवांस गैजेट्स लगे हुए हैं, तो फिलहाल हम लोग स्पाइक्स यूज करते हैं। थोड़ा सा मैं आगे चला जाता हूँ। आई थिंक पीछे से कांटे वगैरह छोड़ेगा कुछ, पीछे गाड़ी आ रही है। ओ ओ भाई साहब, अब जल्दी से और छोड़ देता हूँ। एक और गई, बहुत सही यार। इस लड़की को कुछ कराओ यार। शिफ्ट। अच्छा इससे क्या होगा? रेड बटन है, ये शिफ्ट दबाता हूँ। ओ भाई साहब उड़ गई। ये वाला बढ़िया था गाइस। गाइस ऐसा बटन होना चाहिए ना हर कार में, कोई दिमाग का दही करता है उसके ऊपर शिफ्ट दबा दो बस। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं अब मॉली मैडम के पास। जल्दी से इस कार को लेके अब मैं मॉली मैडम के पास चलता हूँ। सारी सिक्योरिटी और उनकी जितनी भी थी सब हट गई है। Refitting the guns to take live ammunition. Do the traffic spikes and ejector seat need replacing too? Both of those is going to need replacing, all right? Good. One more thing. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something. Okay, तो guys, Molly madam कह रही है कि जल्दी से मेरे पास इस कार को लेके आओ। इसमें इंजेक्टर सीट जो तूने निकाली है उसको मॉडिफाई करना है, और साथ में स्पाइक्स भी जो कि मैंने अभी यूज कर ली है। ओके और साथ में इसके आगे गन तो लगी हुई है, उनको तो कोई दिक्कत हुई नहीं। लेकिन यार अभी ये कार बहुत सॉलिड चल रही है यार, बहुत गजब चल रही है गाड़ी। लेकिन वो वाला सीन बढ़िया था जब वो लड़की दिमाग का दही कर रही थी, उसको उड़ा के हम लोगों ने फेंका ना गाइस। उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों में फैला दो गाइस। तो फिलहाल मैं चलता हूँ मौली मैडम के पास, जो कि थोड़ी दूर बची है उसकी लोकेशन। भाइयों उस लोकेशन के पास हम लोग पहुंच गए हैं, अब चल के देखते हैं वहां पे क्या सीन होने वाला है। फिलहाल तो मुझे ये कार वहां पे डिलीवर करनी है, उसके बाद हमें कैश मिलेगा या क्रेडिट मिलेगा क्या होगा। ओके फिलहाल यहां पे ही कहीं है सीक्रेट डोर। ओके ये रहा। ऑलराइट यहीं पे मुझे पार्क करनी है। ओ ये है मिस्टर वेस्टर्न। Insurance companies hate these kinds of claims. खुश हो गया भाई अपना। Cats with the inside edge, shorten them either. So how'd it go? Smooth enough, you know, movie people. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio, so we just did is practically legal. Ha! Practically. अरे ये लेमार भी इसके साथ काम कर रहा है यार। You doing it big, my nigga, on the set. Lamar, what the fuck are you doing here? Oh, chirped your boy Trevor. Okay, तो मैं फ्रैंकलिन को नहीं पता था कि लेमार भी इसके साथ अभी काम कर रहा है। Boys to a motherfucking speed freak. True that. Devin Weston, master of the two-hour female orgasm. What it is, Holmes? Lamar Davis. He was just leaving. Hey, not on my account. Anyway, come here. I'm gonna put you in touch with my legal counsel. Hey, don't touch me, homie. I don't get down like that. Yeah, let me tell you how the world works, Slim. भाइयों इतनी बातचीत के बाद मुझे ये पता चला है कि यहाँ पे इन लोगों ने इसको क्रेडिट तो नहीं दिया, लेकिन ये बोला है अभी एक दो मिशन और हैं उसको करने के बाद तुम्हें बहुत सारा अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। ओके तो सो फिलहाल यहाँ से चलते हैं। ये एक कार खड़ी थी, उसने बताई मेरे को कि साइड में गाड़ी खड़ी है, उसको लेके तो जा सकते हैं। लेकिन ये कार मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन काफ़ी सिंपल लग रही है। इसको बैनी के पास मैं सोच रहा हूँ लेके चलते हैं, थोड़ी मॉडिफिकेशन कराते हैं। यार इसके पीछे देखिए कितना कूल लग रहा है, इसके पीछे डिग्गी के पास आई थिंक इसके पीछे इसका टर्बो इंजन लगा हुआ है। यहाँ दैट इज़ अ टर्बो इंजन। फिलहाल मैं बैनी की लोकेशन मार्क कर लेता हूँ। बैनी अपना यहाँ पे है, ओके पास में ही है। चलते हैं जल्दी से, बैक करते हैं इस कार को। इस कार को हम फुल्ली मॉडिफिकेशन में पूरी फुल मॉडिफाई कर देंगे आज, इसका पूरा नक्शा ही बदल दूंगा मैं। स्पीड भी
काफी अच्छी है वैसे, बिना मॉडिफाई की स्पीड इसकी काफी अच्छी है। मॉडिफिकेशन के बाद स्पीड क्या हो जाएगी यार। ओके ये रहा बैनी की लोकेशन, आने वाली है बगल में ही है, बस मुझे यहीं से लेफ्ट मुड़ना है। ये रहा, तो चलो अब अंदर चलते हैं और मॉडिफाई करते हैं इस कार को। इसलिए मैं जितनी भी चीज़ें होंगी सब एकदम हाई एंड लगवाऊंगा, पूरी फुल अपग्रेड करा दूंगा। सबसे पहले रिपेयर कर देते हैं इंजन, मेरे को पूरा फुल चाहिए। ओके कुछ नहीं देखना है, प्लेट मेरे को पूरी हाई वाली चाहिए, मतलब जिसमें सबसे महंगी प्लेट हो। ऑल राइट ओके, क्रोम कवर मेरे को क्रोम ही चाहिए बिकॉज $600। इट्स ऑल अबाउट मनी गाइस। दैट्स इट। तो चलो मैं इस कार को फुली मॉडिफाई कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। दैट्स व्हाट यू आस्क्ड फॉर। तो भाइयों हमारी कार मॉडिफाई हो चुकी है और देखिए आप, ओ भाई साहब क्या शानदार लग रही है। मैंने इसकी जो हेडलाइट थी उनको पिंक कराया है और साथ में नीचे नियॉन लगाया है, स्पॉयलर लगे हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज करी है। साथ में मैंने टायर वगैरह भी चेंज किए हैं। गाइज आप एक बार मैं उतर के दिखाता हूँ आपको, ये कार बहुत ही ख़तरनाक लग रही है। और पीछे जो टर्बो इंजन था मैंने उसको भी एकदम मॉडिफिकेशन में एकदम कन्वर्ट कर दिया है, मॉडिफिकेशन से इसको कन्वर्ट कर दिया है। और मेरी कार देखिए गाइज आप, गाइज अगर आपको ये कार अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और चलो अब इसको भगा के देखते हैं कितनी स्पीड में जाती है ये टोटल, और चलते हैं सीधा अपने घर की तरफ इसको फुल स्पीड में भगाते हुए। अरे रुक जाओ यार गाइज, यहाँ पे जगह नहीं मिल रही है फिलहाल, इसको टेस्टिंग इसकी हम बाद में करेंगे। फिलहाल तो मैं घर की तरफ जाता हूँ, जहाँ तक मुझे रास्ता मिल रहा है मैं वहीं तक भगाता हूँ। फिलहाल घर की लोकेशन मैं मार्क कर लेता हूँ, एक सेकेंड में उल्टा जा रहा था। काफी वैसे कार वैसे ये काफी अच्छी है। तो गाइस घर की लोकेशन के पास मैं पहुंचने वाला हूँ, थोड़ी दूर बची है घर की लोकेशन, यहीं इसी पहाड़ के ऊपर हमारा घर है। गाइस आप लोग तो जानते होंगे हमारे फ्रैंकलिन भाई का घर। और गाइस कल हम लोग मॉली मैडम का एक और नया मिशन करेंगे जो कि बहुत सॉलिड होने वाला है। मे बी उसमें ट्रेवर और फ्रैंकलिन और माइकल तीनों लोग दिखें, या तो एक लोग दिखे, कोई तो दिख सकता है मे बी। सो गाड़ी हमारी फुल्ली मॉडिफाइड हो गई है, आज हमने बहुत अच्छा काम कर दिया है, उस एक्टर को भी वाट लगा दी है, साथ में उसकी एक हाईटेक कार भी हम लोग चुरा लाए हैं जो कि बहुत कूल लग रही थी। सो अभी माइकल की ड्रेस भी काफ़ी कूल है। सो फिलहाल तो मैं नीचे जाता हूँ, देखता हूँ अपना चॉप चॉप क्या कर रहा है यार, उससे भी काफ़ी देर से मैं मिला नहीं था, उसको घुमाने भी लेके जाना है। I gotta train your ass to use the John Chop. Okay. That's a big ass pile of shit. Chop Chop हमारा समझदार हो गया थोड़ा सा, उसको घुमाया नहीं ना इसलिए पागल हो रहा है यहीं पे। चल आजा अच्छा घूम के आते हैं। We walking, Chop. तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। चल बे चॉप चॉप चलते हैं यहाँ से घूमने। Till I got it.